हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मर 1 फिल्म के रिलीज हुए ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जिसे लेकर के तो आपको पता ही होगा कि इस फिल्म के ट्रेलर को स्पेस में लॉन्च किया गया है, जिसकी प्रेजेंटेशन देख करके मैं यही सोच रहा था कि स्टूडियो जिस तरीके से ऊटपटांग हरकतें कर जो भी मार्केटिंग टीम्स के आइडियाज को अप्लाई करता है वो सच में बहुत ज्यादा स्टूपिड्स होते हैं, वो भी खास करके ट्रांसफॉर्मर की इस तरीके की प्रेजेंटेशन को, जो कि हां ऑब्वियसली एनिमेटेड ही है। और अगर इसके पीछे की रीजन की बात की जाए तो खुद स्टूडियो की तरफ से ये बात कंफर्म की गई थी कि वो लोग ऑक्टोमस प्राइम और मेगाट्रॉन, जो पहले शायद D16 के नाम से जाना जाता था, तो फिर उसी के बीच की बॉन्डिंग कह लो या फिर ब्रदरहुड AKA ओरियन पैक्स के बीच कैसा है, उसी पर इस फिल्म का फोकस है, जो कि आप कह सकते हो कि उनके यंग टाइम की स्टोरी है, वो भी तब की जब प्राइम यानी कि ओरियन एक लाइब्रेरियन था, तो वही D16 यानी कि मेगाट्रॉन था माइनर, या फिर कहूं उसके जैसे सारे के सारे वही कॉन्स, शायद यही कहते हैं, बिना ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी के माइनिंग का ही काम करते थे। जिसमें इसके अलावा एक झलक हमें सेंटिनेंटल प्राइम की भी दिखाई गई, जो कैरेक्टर हां फिल्म में किस तरीके का था वो तो आपको पता ही होगा अगर आपने फिल्म देखी है, तो डार्क मून की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कैरेक्टर जिसकी वॉइस जॉन हमने दी है, कहीं ना कहीं किसी एलियन क्रीचर के हाथों पूरी तरीके से बंधा पड़ा है, या फिर कहूँ उसके पूरे राज्य पर उन्हीं लोगों का कब्जा है, जिन्हें अगर ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स में देखा जाए तो क्विंटेसा यही नाम था, उन इंजीनियर्स का जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफॉर्म करने की शायद से परमिशन दी होगी। अब मैं इस पर काफी क्लियरली नहीं बता सकता क्योंकि इस यूनिवर्स को मैं एज अ फैन फॉलो करता हूँ, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि मैं उसकी पूरी ओरिजिन को याद रखूँ, लेकिन फिर भी इस ट्रेलर में जितना मुझसे हो रहा है मैं वो डिटेल आपको ऊपरी तौर पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिस फिल्म को अगर आप चाहते हो तो ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स में कनेक्ट कर दो, वरना अगर इसे सेपरेट भी रखोगे तो बात बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मर का क्रॉसओवर जो जिया जो उसके साथ में हो रहा है, उसी से पैरामाउंट और हॉसबॉग वाले मिलकर के अच्छे खासे नए स्टूडियो या फिर कहूं यूनिवर्स की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि मुझे बताया गया है कि एक हिसाब से सॉफ्ट रीबूट के ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है, जिसकी शुरुआत ऑब्वियसली राइज ऑफ द बीस्ट फिल्म से की गई थी, जो कि ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स में स्टोरी लाइन को कितना मीट करके प्रेजेंट करती है नए फैंस के लिए तो वो काफी ज्यादा अमेजिंग थी। लेकिन ओल्डर ऑडियंस और जो खास करके ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स को काफी ही ज्यादा के साथ सपोर्ट करते हैं, तो वो फिल्म ठीक ठाक सी थी। लेकिन अब बात कीजिए ट्रांसफॉर्मर 1 की, तो इस पर आप कह सकते हो कि फैंस पूरी तरीके से डिवाइडेड हो गए हैं, जिनमें आते हैं कट्टर फैंस जो डेफिनेटली इस फिल्म के ट्रेलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, और हमें कह सकता हूँ कि उनका ये गुस्सा जायज भी है, जिसमें वो लोग चाहते हैं कि पुराने वॉइस आर्टिस्ट फिर से अपने कैरेक्टर को वॉइस देते हुए नजर आए, लेकिन फिल्म की कहानी की प्रेजेंटेशन यंग टाइम की है, जो इन कैरेक्टर्स की फ्रेंडशिप से लेकर के दुश्मनी पर फोकस कर रही है। और हां, इसमें कॉमेडी काफी ज्यादा क्रिंची लग रही है, जो कि ऑब्वियसली बच्चों को ही टारगेट करती है, क्योंकि हॉसबॉग ब्रांड ही टॉयज सेल करता है और उनकी पूरी बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो ये भी चीज ध्यान रखो, जिसे मैंने भी ध्यान में रखकर आपको पहले ही कह दिया कि आप इसे ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स से अलग ही रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एज अ फैन मैं तो इस फिल्म को सपोर्ट करूंगा, जो देखने में एनिमेशन स्टाइल के हिसाब से मुझे अच्छी लग रही है, यानी बच्चे जाकर के इस फिल्म को देखे काफी ज्यादा इंजॉय करेंगे, लेकिन डाई हार्ड फैंस की जो डिसअपॉइंटमेंट है उसका कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी अगर आप सोच रहे होगे कि एनिमेशन स्टाइल को क्यों चूज किया गया, तो बिलियन जैसी बात स्टूडियो ने पहले ही बता करके ये बात कंफर्म कर दी थी कि अगर वो इसकी ओरिजिन पर ढंग से पैसे लगाएंगे तो इतने खर्चे हो जाएंगे, जिस बात से मैं पूरी तरीके से कन्विंस तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े एक्टर्स को हटा करके सिर्फ और सिर्फ फिल्म के कंटेंट पर ध्यान दो तो फिल्म मोस्टली मुझे लगता है कि 200 से 250 मिलियन के बजट में बन जाएगी। लेकिन खैर, स्टूडियो को फिलहाल तो उस पर मेहनत नहीं करनी थी, क्योंकि आज का दौर एनिमेशन की फिल्मों का है, जिसमें पुरानी से पुरानी आईपी इसी एनिमेशन के ट्रैक पर बॉक्स ऑफिस पर बिलियन के आंकड़े को पार कर रही है, तो फिर क्या पैरामाउंट भी उसमें पीछे बिल्कुल भी ना हटते हुए बच्चों को ही टारगेट करेगा और इस फिल्म की प्रेजेंटेशन भी वैसी ही रखेगा, जो कि उसने ऑब्वियसली रखी ही है। बाकी डाई हार्ड फैंस के लिए तो नेटफ्लिक्स पर पूरी की पूरी सीरीज से लेकर के फिल्में भी पड़ी हुई है, वो जाकर के देख लो, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा 90s की मूवीज और सीरीज भी है, इसलिए मुझे लगता है कि इस टेक में बच्चों को टारगेट करना कोई गलत बात नहीं है। और बात रही इस फिल्म की कॉमेडी की, यानी कि ट्रेलर की प्रेजेंटेशन की, तो इससे छोड़कर के सिनेमाकॉन के इवेंट में इस फिल्म की क्लिप भी दिखाई गई, जिस क्लिप में मेगाट्रॉन और ऑक्टोमस प्राइम के बीच अच्छी खासी झड़प हो रही है, और वो पूरा टोन सभी की तरफ से कंफर्म कर बताया गया है कि काफी ज्यादा सीरियस है, जिसकी झलक हमें ट्रेलर में भी नजर आती है, वो भी तब जब D16 यानी कि मेगाट्रॉन खुद का अस्तित्व ढूंढने के लिए निकला है कि उसके शरीर पर जो मार्क्स है उसका असल मतलब क्या है और क्या वो माइनर्स है भी या नहीं। और ऐसे में फिल्म के विलेंस स्टारस्क्रीम और बाकी दूसरों को दिखा करके ये बात कंफर्म भी कर दी जाती है कि यहाँ पर कुछ रिबेलियंस भी है, जिन्हें बाद में मेगाट्रॉन आकर के सीधे सीधे डिसेप्टिकॉन का नाम दे देगा। इसके अलावा लॉरेंस फिशबर्ग इस फिल्म में अल्फाट्रॉनिस के कैरेक्टर की जो वॉइस दे रहे हैं, वो कैरेक्टर भी हमें इस फिल्म में नजर आ रहा है, आई मीन इसके ट्रेलर में। इसी के साथ साथ उनका यूनिकॉर्न कह लो या फिर चीता जो भी है, वो कैरेक्टर का लुक भी जो उन्हें पावर देने के बाद या फिर कहूं उन्हें ट्रांसफॉर्म होने की पावर देने के बाद शायद से उनकी वहां से निकलने की मदद भी करेगा, क्योंकि वही जो क्विंटेसा वालों की बात है, जिस काफी आइकॉनिक कैरेक्टर को फिलहाल तो फिल्म के अलावा पुरानी सीरीज को छोड़ दो तो अभी के लिए तो इस एनिमेटेड फिल्म में दिखाया नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि जो विलेन का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं इसी के लिए काम करता हो, इसीलिए शायद सेंटिनेंटल प्राइम भी उन्हीं की बातें सुनकर के ऑप्टोमस की पूरी टीम के पीछे लग गया है, जिनकी टीम भी ट्रांसफॉर्म होते हुए हमें इस ट्रेलर में नजर आ रही है। बाकी माइनिंग में क्या कुछ चल रहा है और क्या वहां के लोग ट्रांसफॉर्म हो भी पाते हैं या नहीं, उसका पूरा पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा। इसके अलावा स्कारलेट जॉनसन भी एलिटा 1 के कैरेक्टर में आप कह सकते हो कि थोड़ी सीरियस और अच्छे खासे एक्शन के मूव्स के साथ नजर आती है, जो कि अगेन ये ट्रेलर बहुत ही अच्छी तरीके से
शो भी कर रहा है। बाकी लेट्स सी कि इस साल 13 सितंबर के दिन जब ये फिल्म रिलीज होगी तो इसका रिस्पांस बच्चों के बीच जो कि इसके नए फैंस बनेंगे उन्हें लेकर के कैसा रहेगा और जो पुराने मुंह फिला करके फैंस बैठ गए हैं उनका भी क्या रिएक्शन निकल कर आएगा, क्योंकि हम जैसे फैंस जो कि काफी ऑनेस्टी के साथ इस यूनिवर्स को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो ये बढ़ रहा है, जिस पर जैसे कि मैंने कहा अपना सपोर्ट देना तो बनता ही है। बाकी देखते हैं कि जीआई जोस को लेकर के जिस तरीके का क्रॉसओवर इस यूनिवर्स में किया जा रहा है जिसकी डिमांड किसी ने की नहीं थी, लेकिन स्टूडियो अगर उन्हें क्रैक करने में पूरी तरीके से कामयाब हुआ है, जिनमें माइकल बे की पुरानी फिल्मों को देख करके ऐसा लगता भी है कि वो चीज होनी चाहिए थी जो कि अब जाकर पॉसिबल हो रही है, क्योंकि उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन राइज ऑफ द बीस्ट के ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस नंबर के आने के बाद भी दी गई थी, जो कि हो सकता है कि लाइव एक्शन के इस ट्रैक पर जब पहले की तरह अच्छी खासी कमाई करने लग जाए तो कहते ना कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, लेकिन अगर कहानी को लेकर के वो लोग थोड़ी और मेहनत कर ले तो हम फैंस और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि माइकल बे का टोन पुरानी ट्रांसफॉर्मर की दो फिल्मों को छोड़ करके बाकी सभी में बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट था और एक्शन तो चार चांद लगाते थे उस यूनिवर्स में, जिसमें अभी के लिए तो वो चीज ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स से थोड़ी मिसिंग सी लगती है। बाकी खैर मेरा पूरा ओपिनियन इस ट्रेलर से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया है, आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसके अलावा अगर मैंने एंड में रिएक्शन डाल रखा है तो आप वो भी देख लेना, अगर शायद से उस पर कॉपीराइट लग रहा है तो मैं उन्हें टुकड़ों में डालूंगा, ताकि कॉपीराइट से बचते हुए इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मेरा रिएक्शन क्या था वो आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, तो अच्छा खासा वेट करवाने के बाद ट्रांसफॉर्मर 1 फिल्म का ये टाइटल है, एनिमेटेड फिल्म होगी जो कि बोलते ना कि बजट से काफी ज्यादा हाई जा रही थी, इसलिए पैरामाउंट वाले ने इस फिल्म का एनिमेटेड बनाया है। बाकी क्रिस हेम्सवर्थ इस फिल्म में ऑप्टिमस प्राइम के रोल की कैरेक्टर की वॉइस दे रहे हैं और बाकी एनिमेशन स्टाइल क्या है उसे देखने में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो अब इस ट्रेलर में क्या खास है क्या नहीं और क्या ये फिल्म ट्रांसफॉर्मर की यूनिवर्स के साथ में जस्टिस करती भी है या नहीं और यंग ऑप्टिमस प्राइम का लुक कैसा है वो भी देखा जाएगा। तो अब ट्रेलर देखते हुए बीच में बातचीत करेंगे और पता नहीं कि ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा कि नहीं करूंगा, अगर करता हूं कॉपीराइट आया तो वीडियो को मैं चॉप कर दूंगा, आगे अपना ओपिनियन डाल दूंगा मतलब रिव्यू डाल दूंगा और बाद में फिर ये रिएक्शन वीडियो कट करके डाल दूंगा कि बीच बीच में मेरा रिएक्शन कैसा था। तो शुरू करते हैं। बाकी बाय द वे स्पेस में ट्रेलर रिलीज किया था इन लोगों ने, तो उसी को प्ले करते हैं जो कि शुरू होगा अब। अभी आके बोलेगा भैया अलग से डाला है कि नहीं डाला भाई, इतना लंबा ये पूरा ट्रेलर पता लगा ऐसे ही चला दिया इन लोगों ने। एक मिनट, आए रे यार ये लोग ऐसे ही चला रहे हैं। एक मिनट भाई क्या कर रहा है, ऐसा ट्रेलर कौन डालता है? पैरामाउंट वाले, हाँ मिल गया ट्रेलर। तो मैं वो वाला पार्ट कट कर रहा हूँ, सीधे ट्रेलर वाला पार्ट प्ले करूँगा। शुरू हो गया 3 मिनट 20 सेकेंड, पूरा बदल गया भाई। बैरिन ट्री हेनरी, ओके आवाज कम कर देता हूँ ट्रेलर की, अब ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ से। ओके सही है एनिमेशन स्टाइल, बिफोर देयर वाज मेगाट्रॉन। यंग है, दोनों फ्रेंड है, अच्छा है एनिमेशन, एनिमेशन को बुरा नहीं बोलूंगा, सही लग रहा है। ओके तो उनका डिसीजन सही था भाई मेरे को लगता है। यू हैव प्रूवन योरसेल्फ वर्थी, तो ओके हैज एन ओजी। जीवन मॉडल है, गाइस दैट्स नॉट गुड, वी गॉट
these powers for a reason. Let's use them. Scarlett Johansson. Okay. We stand here together as one. खूबसूरत बनाया यार, फिर बोलूंगा मतलब अच्छी लग रही है. बहुत बड़ा ट्रेलर नहीं बना दिया. जॉन हम भी है. ओके, टाइम है फिलहाल तो, सितंबर की रिलीज है इसकी, तो 20 सितंबर को रिलीज होगी. खैर ट्रेलर ठीक है, मतलब जैसा मतलब बोला गया था कि मूवी का बजट सच में मैटर करता है ऐसी मूवीज के लिए, तो उस हिसाब से तो इन लोगों ने सही किया. बाकी रिव्यू में मैंने शायद शुरुआत में आपको इसके बारे में बता भी दिया होगा आपकी क्या राय बनती है, अब आप वो मुझे कमेंट कर बताइएगा. बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत. मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय. और हाँ, रिएक्शन अगर कट करके डाला है तो उसके लिए सॉरी, अब बाय बोल सकते हो. You're still here. It's over. Go home.